ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू अटेम्प डेली क्विज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल पीजीटी मैथ्स एग्जाम्स लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस अकेडमी फिफ्टींथ डिसंबर के क्विज का सोल्यूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉस्ट इनवर्स एक्स प्लस कॉस्ट इनवर्स टू बाई थ्री इक्वल टू फाय टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इसको पहले कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स x, एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी तो एक्स वाला एक तरफ रखिए ऐसे हम लिख सकते हैं x कॉस ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स टू बाय थ्री ऐसा हो गया नो दैट कॉस नाइन्टी माइनस थीटा कॉस नाइन्टी माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा साइन थी थीटा। थीटा थीटा टू बाय थ्री अब हमें क्या करना है साइन कैंसिल करना है तो यहाँ पे साइन इनवर्स होना चाहिए दैट मीन्स तो अगर मैं साइन इनवर्स में चेंज कर लेती हूं तो ये होता है कॉस थीटा आपका बेस बाय एच बी आपका टू है और एच आपका थ्री है हमें चाहिए परपेंडिकुलर तो थ्री का पाइथागोरस थ्योरम, टू पाइथोग फोर प्लस पी स्क्वायर दैट मींस पी आपका कितना है रूट फाइव तो हो गया यहाँ पे क्या होता है पी एच साइन थीटा पी बाय एच एच इज थ्री तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर इज फाइव रूट फाइव बाय थ्री आपका फाइनल आंसर नेक्स्ट है

एक नॉन साइड एक अनोन साइड तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगी मैं प्रपेंडिकुलर बी सी बाय एबी और जो की पी बाय प्रपेंडिकुलर बायस थीटा होता है थीटा आपका 45 डिग्री है और यहां से अगर BC निकाले और ये 10 मीटर दिया है टेंजेंट 45 फाइव वन होता है तो बीसी इक्वल टू टेन मीटर ये BC निकल गया फिर से अगर मैं AC भी निकालू क्यों निकाल रही हूं बताती हूं पहले निकाल लेते अगेन इन ट्राएंगल ABC फिर से अगर आप फॉर्मूला लगा लेते हैं ए बी अपॉन ए सी तो ये बेस है और ये एच है बी बाय एच तो वो हो गया कॉस थीटा तो ये ए बी टेन दिया है ए सी और कॉस फोर्टी फाइव डिग्री होता है वन बाय रूट टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ए सी भी आपका निकल जाएगा टेन रूट टू मीटर अब आपके पास ए सी भी पता है और बी सी भी पता है और मैंने क्या कहा आपको बी डी निकालना है बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी तो अगर ये ट्री की लेंथ आपकी यहां से लेकर यहां तक है और जो पार्ट टूटा है वो सीडी ये वाला टूटा है और यहां ग्राउंड पे टच हुआ है दैट मीन जो सीडी की वैल्यू होगी वो ए सी के इक्वल होगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी अब बी सी भी मेरा निकला हुआ है सी डी की जगह ए एस, ए सी लिखा बी सी है टेन मीटर और ए सी है टेन रूट टू मीटर दैट मीन्स ये हो गया 10 रूट टू प्लस वन मीटर ये आपका क्या है एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स वन ओमेगा ओमेगा स्केयर कितना होता है आपका जीरो होता है और अगर मुझे वन प्लस ओमेगा चाहिए यहां से या वन प्लस ओमेगा स्केयर चाहिए तो माइनस ओमेगा हो जाएगा या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर चाहिए तो वो माइनस वन हो जाएगा ये आपको पहले पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए इतना हो गया अब आपको जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या दिया है ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा ओमेगा स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा बीटा अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ओमेगा की पावर फोर अल्फा बीटा प्लस ओमेगा की पावर थ्री बीटा स्क्वायर ये हो गया जहां से ओमेगा क्यूब और ये अल्फा स्क्वायर था अल्फा इन टू अल्फा फर्स्ट ओमेगा क्यूब कॉमन ले लेते हैं और कहा है ओमेगा क्यूब यहां पे है तो ओमेगा क्यूब कॉमन ले लिया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्क्र अंदर क्या बचेगा यहां से अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर फोर ये हो गया आपका अब आपको बताए ओमेगा क्यूब जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वो तो वन होगा यहाँ क्या बचेगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर अगर कॉमन ले लू मैं यहां से तो यहां बचेगा वन प्लस ओमेगा स्केयर और साथ में था अल्फा बीटा तो ये फाइनल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर और वन प्लस ओमेगा स्क्यर ये लिखा है कितना माइनस ओमेगा साथ में अल्फा बीटा दैट मीन्स अल्फा प्लस ये फॉर्मूला लगा लेती हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर का ये होता है ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा एंड दिस इज ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब माइनस वन होता है और तो कितना हो जाएगा ये सॉरी ओमेगा क्यूब जो आपका है वन होता है तो ये हो जाएगा वन साथ में था माइनस तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा ये दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास दिया है कितना पी स्केयर हो जाएगा ये पी माइनस पी है माइनस थ्री अल्फा बीटा हो गया ये माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा बीटा इज रूट तो पी स्केयर माइनस थ्री क्यू आपका फाइनल होगा इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं इजी बनाने के लिए देखिए मैं सी वन पे ऑपरेशन लगाऊंगी C1, C2 एंड C3 तो कितना हो जाएगा अगर मैं देखिए आप दिख रहा है 2A, 2B और क्स्ट रोपे रो तो सी वन सी सी तो टू सी वन टू ए टू बी इसी तरह हो रहा है that means ये अगर c1 पे लगा रहे क्लियर तो दैट मीन्स टू कॉमन ले लेंगे ले तो a प्लस बी प्लस सी आएगा हर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैं कॉमन ले लू इसी चीज को टू ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में आपका आएगा इधर आएगा क्लियर तो उसको कॉमन ले लिया उसकी जगह वन 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 लिख लिया बाकी ऐसे लिखिए क्या हो जाएगा ए टू ए प्लस बी सी बी प्लस सी ए नेक्स्ट है बी बी ए प्लस टू बी प्लस सी ये हो गया इक्वल टू फोर थर्टी टू कर लेते हैं बाद में कर लेंगे इक्वल टू फोर थर्टी टू ओवर वन ट्वेंटी फाइव हम इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं जीरो लाने की कोशिश करते हैं तो दैट मीन्स आर टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री आर थ्री माइनस आर वन ये ऑपरेशन अप्लाई करेगी तो हो जाएगा टू ए बी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा वन ए बी ये जीरो हो जाएगा यहां से क्या टू ए टू ए माइनस ए यही कैंसल हो जाएगा दैट मीन्स माइनस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा बाकी क्लियर आर टू माइनस आर वन एंड बी माइनस बी जीरो आर थ्री माइनस आर वन वन माइनस वन जीरो ए माइनस ए जीरो सेम हेयर यहां भी बी कम हो जाएगा तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अब देखिए अगर मैं ये देखिए आर टू और ये आर थ्री से कॉमन ला सकती हूँ ए प्लस बी इंडिविजुअल अलग अलग आर टू से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले आइए और सिमिलरली आर थ्री से भी दैट मीन्स टू टाइम कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा बाहर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और अंदर क्या बचेगा वन ए बी जीरो जीरो और यहाँ वन जीरो जीरो वन ये हो गया अब हम इसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे ये हो जाएगा टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलोंग ही करेंगे तो वन माइनस जीरो बाकी जीरो टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू में क्या आ रहा था फोर थर्टी टू बाय वन ट्वेंटी फाइव फोर थर्टी टू बाय वन ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स ये कैंसल करेंगे तो आपका दो सौ सोलह हो गया तो फाइनल कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन किसका क्यूब होता है सिक्स का और नीचे फाइव का तो ये कैंसल आउट दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन पॉइंट टू लास्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी और यहाँ पे एक्स रिस्ट पावर फोर वाई रिस्ट पावर फोर टी स्क् वन बाई टी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन निकालनी है एक्स ठीक है तो हम क्या करेंगे ये फर्स्ट ले लेते हैं इसको सेकेंड ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का क्या करते हैं स्क्वेरिंग स्क्रिंग बोथ साइड तो ये हो गया एक्स स्क्सर का होल इक्वल टू टी प्लस वन बाय टी का होल स्क्वेयर कितना हो जाएगा ये ए स्क्र प्लस बी स्केयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए स्क्योर प्लस बी स्केर प्लस टू इंटू ए ऐसे हो गया नो दैट ये देखिए फ्रॉम सेकेंड यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो कितना हो जाएगा एक्स फोर वाई फोर प्लस टू एक्स वाई इसकी वैल्यू दी है एक्स फोर वाई फोर तो इस तरफ लेके आते हैं उसको एक्स फोर माइनस वाई फोर माइनस टू इक्वल टू जीरो तो ये आपका जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए तो फाइनल कितना बचेगा टू एक्स क्योर वाई स्केर टू भी कॉमन ले लिया वहां से तो दैट मीन्स x square y square equal to one and x y equal to one. तो हमारे पास जो कन, condition थी x y x y greater than क्या होना चाहिए zero. वो satisfy हो गया. इसको हम third equation के लेते हैं and differentiate third with respect to x. तो आप product rule लगाइए यहाँ पे. First function as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first. ये हो गया आपका तो dy/dx कितना आ जाएगा -y/x अब इसको एक टर्म बनाइए या तो y की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो x की फॉर्म में बनाते हैं कैसे dy/dx y की कितनी वैल्यू आएगी वी नो दैट xy 1 तो y कितना आ गया ये जो किया हमने y कितना आ गया 1/x तो यहां पे हम इसको पुट करेंगे इसको हम यहां पुट करेंगे कितना हो गया y आपका वन बाई एक्स दैट मीन ये हो गया माइनस वन बाय स्क्र अब हम फिर से अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया डी स्क्र डी एक्स स्क्त हो जाएगा क्वेश्चन रूल लगाइए यहाँ पे नीचे जो सेकंड फंक्शन है ये फर्स्ट ये सेकंड सेकंड का स्क्वायर ये हो गया सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस बाहर लिख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जीरो होती है फर्स्ट एज इट इज सेकेंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये हो गया तो जो आपका फाइनल आंसर है ये तो आपका जीरो हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया टू एक्स बाय एक्स रेस टू पावर फोर विच इज इक्वल टू टू बाय एक्स रेस टू पावर टू ओवर एक्स रेस टू पावर थ्री तो ये आपका फाइनल आंसर आई होप आपको समझ आ गया है डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए चलिए आज के लिए इतना ही जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू वेरी मच